Hey guys, welcome back to my channel. So my stay in Bangalore was just for a day, so we were starting to my hometown, that is Bagalkot. Our train had to stop in a station because I think it was waiting for a signal to go ahead. So it took a long time, and while we were waiting there, we could see the sunrise, so beautiful, and I was trying to capture the sun as it was rising. Itna sundar dikh raha tha na sun ki I don't think camera mein itna acha aaya hai. Maine koshish to bahut ki thi, par you can see. पहुंचने की इतनी जल्दी, और जैसे ही पता चला कि हम पहुंचने वाले हैं तो लगेज वगेज निकाल के दरवाजे के पास रख लिया, और बस वेट कर रही थी कि स्टेशन आए और हम बस उतरें और घर जाएं। और घर पहुंचते ही हमारे घर का आजकल जो लाडला बना हुआ है डॉगी, उसने तो इतनी उधम मचाई कि वो तो तरण पे कूदने लगा, मुझ पे कूदने लगा, और मैं तो डर डर के पीछे हट रही थी। ये देखिए इसके वीडियोस। तो अगले दिन मैं, मम्मी और चाची हम लोग मंदिर जा रहे थे। बागलकोट से एक डेढ़ घंटा दूर है ये मंदिर, शिव जी का मंदिर है। इस जगह का नाम है कुडलाSangam, जहाँ पे दो नदियों का संगम होता है, और यहाँ का पानी बहुत प्योर माना जाता है यहाँ पे। तो यहीं पे मेरे पापा का जो अस्थि विसर्जन हुआ था, मेरी दादी का और मेरे चाचा जी का। तो मेरे पापा के डेथ के बाद मैं गई ही नहीं थी यहाँ पे, तो इस बार मैंने सोचा कि मैं ज़रूर जाकर आऊँगी यहाँ पे। तो मम्मी और चाची आए थे साथ में, तरण को नहीं लाई क्योंकि वो, हमारा ट्रैवल इतना ज़्यादा हो गया था कि वो ही वॉज टायर्ड, और उसको ना मेरी बहन के साथ स्कूल जाना था, तो वो स्कूल चला गया था मेरी बहन के साथ, एंड हम लोग यहाँ आ गए थे। दे भी दिया ना वे लोग। वी आर इन अ शिव टेम्पल हियर, इट्स अ वेरी ओल्ड वन, बट अभी ये पानी में चला गया है वो शिवलिंग, बिकॉज ऑफ बैक वाटर्स ऑफ आलमटी डैम। अरे बहुत सुंदर था, डोम के अंदर था, यू हैव टू गो इनसाइड द वाटर, बट तो नया मंदिर सीधे वाटर। मम्मी ध्यान से पकड़े, ये भी जाओ ध्यान से, ते लोग हाथ पांव धो लो, पछम दो। When we were kids, we used to come here. I remember हम लोग पिकनिक के लिए आते थे यहाँ पे। अभी तो काफ़ी डेवलप हो गया है, मैं बताती हूँ। वहाँ पे एक डोम जैसी जगह थी जिसमें स्पाइरली यू हैव टू गो इनसाइड, और नीचे शिवलिंग था जिसमें
ये जो संगम है जहाँ पे यहाँ पे ना तीन नदियाँ मिलती है, तो ये पानी शिवलिंग के ऊपर हमेशा रहता था। बट नाउ ये जो आलमट्टी का बैक वाटर्स आया है, आई थिंक उस फोर्स से वो डोम क्रैक हो गया और पानी हैज़ कम इनसाइड। तो द पानी हैज़, तो मंदिर पूरा पानी में चला गया, इसलिए मंदिर अलग से छोटा सा ऊपर बनाया है। ए मैं भी आ रही हूँ, रुको रे, मैं भी लेऊँ तारी फोटो ले। जबरदस्ती बन के चल रहा बटा से जाता ना ऊपर। हाँ हाँ वही तो है रास्ता, है ना। हाँ नीचे उतरता बट नीचे मंदिर बटा है ना अंदर। हाँ अब क्रैक होगा अंदर। हाय पानी भर गया। जाना कौन देगा कोई ना। नहीं बताला लगा दिया। एक फोटो तो अटा कितना लोग सुस आओ रुक वीडियो चालू है लेकर। मंदिर इसके अंदर था नीचे, यू सी दिस डोम, दिस डोम इसके अंदर था नीचे। बहुत सुंदर शिवलिंग था, पता है हम लोग बचपन में आते थे। दिस इज़ वेरी स्पेशल फॉर माय फैमिली बिकॉज मेरे पापा का, मेरे चाचा का, मेरी दादी का अस्थि विसर्जन वी डिड इट हियर बिकॉज दैट वाज देयर विश। मेरी दादी का विश यही था कि शी वांटेड हर एशेज टू बी पुट इन संगम। So we feel nice coming here. एंड ना बचपन से ही आई एम श्योर सभी को होगा कि ये जो छोटे छोटे स्टॉल्स होते हैं ना जहाँ पे छोटे छोटे टॉयज़, फिर हाथ में बांधने की वो मूली, काले धागे और ये सब ना मज़ा आता है लेने में। तो मुझे मेरी चाची को, मेरी मम्मी को भी शौक है, तो हम तो हर शॉप में जाने लगे, देखने लगे, क्योंकि बस का भी वेट करना था हमें, बस की फ्रीक्वेंसी बहुत कम थी। एंड हमें घर भी जल्दी पहुंचना था क्योंकि तरन भी वेट कर रहा था और मम्मी और चाची के प्यारे जमाई आने वाले थे। एंड देखो जमाई राजा की खिदमत, सब जमाई राजा के चारों तरफ बैठ के गप्पे शप्पे। और अनीश ना ऑलमोस्ट 3 साल बाद आए थे मेरे मायके, तो सबको उनसे बातें करनी थी। और जिस दिन मैं पहुंची थी, मम्मी ने उसी दिन तुलसी विवाह का पूजा रखा था घर पे, तो ये सब लेडीज़ ही करती हैं मिलके। तो मैं, चाची, मेरी बुआ, मेरी बहन, हम सब मिलके, मम्मी और हम सब मिलके कर रहे थे इसमें भी, जिसमें हम तुलसी माता को सजाते हैं एंड गीत गाते हैं एंड शादी की रस्में करते हैं। और तुलसी जी की शादी हम कृष्ण भगवान से करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि लड्डू गोपाल जी रखे हुए हैं तुलसी माता के वो पॉट में। उन्होंने गीत गाए, आरती की, पूजा की, प्रसाद चढ़ाया एंड दिए जलाए, फिर इसके बाद हमने पटाखे भी फोड़े। दिस वाज द फर्स्ट टाइम कि तरन ने पटाखे फोड़े थे, तो ही वाज क्वाइट थ्रिल्ड एंड उसको खूब मज़ा भी आया। ಇನ್ನೊಂದು ಚುರುಚುರಿ ಕೊಡು ಅವನಿಗೆ. ಡೋಂಟ್ ಥ್ರೋ ಇಟ್ ಆನ್ ಎನಿ ಒನ್. ಇದರೆ ಅನಾರ್ ಯು ಕೆಪ್ ದ ಫ್ಲವರ್ ಪಾಟ್ ಸರಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಗೋ ಔಟ್ಸೈಡ್.
Go outside. Oh, ma'am, down on top of you. Hey. Bad danger. और हाँ, जाते जाते लाइक तो करो यार, लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड शेयर करो। बाय।